तेरे घर की नौकरानी हूँ क्या मैं? क्या समझता है क्या है तू मुझे? सही कर रहे हैं वो, सही कर। बताओ किसने लगाया है, बताओ किसने लगाया? Everything in this video is imaginary. Imaginary because reality is too bitter to be told or shown. Events shown in this video are not real compared to what has actually been happening in countries like ours. कम से कम ना घर वाला तो पूछ लिया करो, ठीक है? लव मैरिज करके बैठ गया और ये बकवास कर रहा है। पछता रहा होगा भाई बहुत ज्यादा, क्या बताऊं मैं आपको, बस परेशान हूं। जो भी है कैमरे में बता दे, ठीक है? स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल अभी सबके? तो भाई आज हमारे साथ ये भाई बैठा, भाई इसका नाम प्रिंस है। और कहाँ था भाई? भाई मेरठ से। मेरठ से है भाई साहब। और यूँ बोल रहा है कि मैंने मतलब लव मैरिज कर लिया, लव मैरिज करके घर तो भाग गए थे भाई। मैंने इतनी बार बोला भाई वीडियो में कि भाई लव मैरिज करो, कम से कम घर वालों तो पूछ लिया करो। ये भागना सोल्यूशन नहीं है, भागना मतलब एक कलंक है भाई साहब। घर की बेइज्जती अलग, और आगे रोजगार मिले ना मिले वो अलग, और कल को भाई साहब इसकी तरह होगी बात जो इसके साथ हो रखा है वो अलग चीज़ है। सारी जिंदगी खराब हो जाओगे आप सबकी। लव मैरिज कर लिया यार, घर वाला ने तो नहीं बताया यार। घर वाला ने ही परेशान करे जब बुला लिया था भाई। क्या हो रखा है वो बता। भाई मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, और 1 साल हमें भागे हुए, हम बाहर रहे थे 1 साल, और 1 साल के बाद सीधा हम दिल्ली आए। फिर मम्मी पापा ने बुला लिया, फिर यहाँ रहने लगे। फिर उसके बाद 2-4 महीने तो बिल्कुल सही रहे, फिर उसके बाद अपना वही चालू कलेश करना, मेरे ऊपर हाथ उठाना, लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे कलेश तो करना। बोल नहीं सकता भाई साहब उसको? मैं बोल बोल के परेशान हो गया। उसका भाई बीच में आ जाता है, फिर वो छोटा होके हाथ भी उठाता है, सब करता है, फिर भी कुछ नहीं बोलती उसको, छोटे भाई को। मेरे को ही चमकाना हर एक मतलब हाथ उठाना सब कुछ। मम्मी पापा को उल्टा बोलना, खाना बनाने के लिए बोल दो तो 10 बात तो उसको बोल दो ना, उसके भाई को बोल दो भाई साहब अगर मतलब तुम्हें नहीं रहना तो भाई। मैं डिवोर्स के लिए भी बोल रहा हूँ नहीं, तब भी बोल दिया नहीं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ये चाहिए, पैसे चाहिए छोड़ने के लिए, नहीं तो मैं तेरे पे दहेज का झूठा केस लगाऊंगी, ये करूंगी, बंद करवा दूंगी, ऐसा इतना सब कुछ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। आप सब भी सोच रहे होगे भाई साहब 5 लाख बोल रहे भाई, लेकिन जिसके साथ बीतता है ना उसको पता होती है भाई। भाई कम से कम घर पूछ लेते ना कि भाई मैं मतलब ऐसे ऐसे शादी करा दो, वो बढ़िया रहता। ये दिन नहीं देखना पड़ता तेरे को? ये तो है भाई। अच्छा उसके पास फोन किया था कितनी देर बोल रुपाने के लिए? 1 घंटे के लिए बोला था भाई, अभी दोबारा एक बार कॉल करके देखता हूँ, बाकी 1 घंटे के लिए फोन कर ले उन्होंने। अब भाई साहब तब तक हम कैमरा साइड करवा देंगे और इंतजार करेंगे यार, हो सका कैमरा छिपवा कर यार बढ़िया तरीके एक्सपोज करूंगा भाई। उसका भाई ने भी बुला लिया भाई, हो सका तो ठीक है भाई ने और बुला, वो तो आ रही है, उसके भाई को और बुला भाई। तब तक कैमरा साइड कर। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा, आई होप आप सब भाई अच्छे होंगे। भाई मैंने कुछ टाइम पहले 16,000 रुपये एक वेबसाइट पे लगाए थे, अब मेरे पास भाई 74,400 से अधिक पैसा है भाई। जिस वेबसाइट पे मैंने पैसे लगाए थे उसका नाम है फोराबेट, और भाई उसमें एक गेम है लक्की 3 स्टिक। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ कैसे आपको घर बैठे बैठे पैसा कमाना और गेम खेल कर वो भी। तो आज का जो गेम है वो है भाई लक्की 3 स्टिक। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें भाई आपको बहुत से री स्पिन मिलेंगे, स्पिन करना आपको। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर पहले ही स्पिन में 8,000 रुपये जीत चुका हूँ, एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए गाइज मैं 8,000 रुपये और जीत चुका हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। गाइज देखिए एक बार और करके मैंने 2,000 रुपये और जीत चुका हूँ, आप सबको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। तो एक बार लास्ट बार फिर से एक बार मैं स्पिन करके देखता हूँ। वाओ गाइज देखिए मैं 20,000 रुपये और जीत चुका हूँ स्पिन करके। तो टोटल मैंने 20 सेकंड के अंदर 38,000 रुपये जीत चुका हूँ। तो गाइज जल्दी से आप भी जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, फोराबेट वेबसाइट पर विजिट करिए। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से विजिट करते तो आपको 200% का बोनस भी मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। हाँ। गया। बैठो। क्या बैठूं? बैठो तो पहले बात करें। क्या बैठूं? बैठने के लिए बुलाया है क्या? तो बैठो तो पहले। पैसे निकाल चल। यार पहले बैठ के बात कर लो यार। पैसे चाहिए मुझे, पैसे निकाल। कहाँ से लाऊं यार इतना पैसा यार। तूने अभी क्या बोला था? तूने क्या बोला था फोन करके? यार मैंने बात पागल है क्या? पैसे निकालिए सीधा पहले जल्दी से। मेरे को पैसे चाहिए बस, मुझे नहीं पता ठीक है ना। तूने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है 2-3 साल से। तेरे घर की नौकरानी हूँ क्या मैं? क्या समझता है क्या है तू मुझे? यार मैंने बात करने के लिए बुलाया यार। क्या बात करूँ तेरे से? क्या बात करूँ मैं? क्या बात करूँ तेरे से? क्या बात करूँ मैं तेरे से? बैठ जाओ यार, मुझे नहीं बैठना। तू बैठ, बैठ। हाँ तू बैठ, बैठो यार। पैसे निकाल चल यार। तुम इतना कले यार, तुम घर पागल है क्या? तुम घर वालों के साथ पैसे निकालो हैं? तू क्या चाहता है क्या? इतने दिनों से मेरी जिंदगी खराब करके रखी हुई है, हैं? तू क्या समझता क्या है? तू मुझे क्या समझता है? हैं? तेरे घर की नौकरानी हूँ मैं? मैं तेरे घर की नौकरानी हूँ क्या? हैं? ऐसे क्यों कर रहा है? पैसे निकाल तू।
यार मैं वही कह रहा हूँ यार, तुम घर परिवार में इतना कलेश कर रहे हो। पड़े रहे ये चाहता है तू? मैं तो चाहता हूँ तू और तेरे घर वाले। मैं तो चाहता हूँ ये चाहता है बता। मैं तो ये चाहता है तो बता यार, मुझे बोलने भी दोगे यार? क्या बोला तू तेरे से? मेरे को कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसे चाहिए, बस बात खत्म। मुझे पैसे यार मैं पैसा कहाँ से ला? मुझे पैसे चाहिए। मुझे नहीं पता ठीक है ना, मुझे पैसे चाहिए जल्दी। हाँ पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए बस। मैं इतना पैसा कहीं से भी निकाल लेगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? क्या कर रही हूँ मैं यार? जब तुम्हें बोल, मैं ना तेरी बकवास सुनने नहीं आई ठीक है ना, तेरी बकवास सुनने नहीं आई मैं यहाँ पर। यार ऐसे मत करो प्लीज। मैं क्यों नहीं करूँ? मैं यार तू साला हो यार, ऐसे मत कर यार। मैं बोलूंगा मैं तो। तो यार साला है, छोटा है तो छोटा है, भाई है तो छोटा है, छोटा तो छोटे की तरह रहेगा ना। तू रह ना, तू अपने औकात में रह ना, तू अपने औकात में रह। और कैसे रहूं यार मैं तुम्हारी? क्यों अपनी औकात में रह? क्या रे कौन है भाई तू? कौन है? आदुर, आदुर भाई है। अरे भाई है ये मेरा भाई है। हाथ कैसे लगा रहा है तू? सर हमारे भाई का लगा रहा है तू? क्या करना भाई है ये मेरा? क्या करना है? मारवा की मैं, मतलब तुम दोनों होके मेरे साथ कैसे कर रहे हो? क्या बात है? तूने इसे बुलाया था? चुप हो जा, चुप हो जा। ओए क्या हो रहा है? चिल्ला कैसे रहा भाई? क्या कर लग रही है? कौन है यो कौन आ रहा है? कौन है ये? मैंने जानती से मारो गीत नहीं जानते, मैं नहीं जानते मैं कौन हूँ। दो साल से शादी करके रह रहे हो, नहीं जानते? एक मिनट चुप हो जा। तो क्या करना करो तू मेरा, ये बता दे। ये तेरा जीजा है ना? जीजा हम बात कर रहे हैं, घर की बात है, तेरी बात है बीच में। घर की बात घर में कर, पार्क में अपने ऐसे से कराना है तो अपनी बात कर रहे हैं, तेरे से बात करी कोई? किसी ने बुलाया है? तो मैंने बात करने के लिए बुलाया था ना, इससे पूछो इसने बुलाया है? पैसे लेने मुझे से है? तेरा बाप लेकर जा रहा है? बाप लेकर जा रहा है? तुम अच्छे से कर रहे थे, तुम अच्छा कर रहे थे, तुम अच्छा कर रहे थे मेरे साथ। हाथ मत लगा इसको, हो जा, उठा जा, नहीं रहा है, बकवास कर रहा है इतनी देर तक। क्या बात है? सही कर रहे हो सर हमारे? तुम्हें क्या कर लगे? इससे पूछो भाई, वो बोलेगी। इससे पूछो ना क्या कर रखा है इसने। तू मत बोल, तेरा कोई हक नहीं बनता है। तेरा कौन सा बन रहा भाई? तेरा हक नहीं बन रहा, तू बीच में क्यों बोल रहा है? तेरा भाई है वो, मेरा वो छोटा है, छोटे की तरह रहने दो ना, वो साला है। चुप है मेरा और कोई है बोलने के लिए? कौन सा रिश्ता बन गया तेरा भाई? चुप चुप, तेरा कौन सा रिश्ता बन गया? लंबा मारूंगा, बताऊं मैं, बहुत मारूंगा। पीछे होके बात करो, क्या बात करनी है? तेरा खसम है, खसम कैसे कौन मारा कर भाई? कौन मारा कर? उसकी हरकत ऐसी है। क्या हरकत है तूने? नहीं किस चीज का पैसे मांग रही है तू भाई? आराम से बात कर ले, समझ नहीं आ रही है? वो उन्हें दो बार गिरा दिया, अब नहीं गिरा। चुप, क्या मेरे साथ तुम ऐसे करोगे तो क्या होगा? वो उधर देखिए एक बार, पेड़ के पीछे देखियो, पेड़ के पीछे देखियो, कैमरा लग रहा है। क्या लग रहा है? कैमरा किसने लगाया? किसने लगाया बताऊँ? किसने लगाया? बताऊँ किसने लगाया है? बताऊँ किसने लगाया है? बताऊँ किसने लगाया? बताऊँगे तेरे को, समझ नहीं आ रहा क्या? सही हो रहा है, देखिए क्या है उधर? कैमरा उधर देखो, ये उधर देख, क्या उधर है? कैमरा। शर्मा रही तुम्हें? क्या कर रही हूँ मैं? कुछ नहीं कर रहे, उससे पूछो। जो बंदा ठीक है अपनी जगह, किस लिए भागी थी उसके साथ? किसने भागी थी? खुश रखेगा मुझे। हाँ तो ये तू अपने डिमांड पूरे कर रही है, ये करो वो करो, पांच लाख किस चीज के तरफ? बाप देखा तेरा भाई? घर की नौकरानी बनने के लिए गई थी क्या मैं? कोई भी शादी करता है तो काम करेगा, घर में नहीं करेगा, ये बताओ। शादी किस लिए करता है बंदा? कल को इसकी, तेरे बतरे भाई है ना, यो इसकी शादी होगी, इसकी जो घर की बहू होगी वो करे तो वो इसमें 5 लाख रुपए का यो दहेज केस डाले। फिर तुम्हारे घर वाले ऐसे नहीं करेंगे, तुम्हारे माँ बाप की सेवा ना करे, तुम्हारे भाई की बीवी है। और तेरा क्या कमाना भाई? बहन है भाई, ये तो बोल रहा है। क्या कमाना? इनकी प्रॉब्लम थी, इन्होंने बोला भाई मेरे को। अगर जायज बात हो तब बोल, गलत हो साथ मत दे, मत बिगाड़ अपनी बहन का घर।
और तुम छोटे होके तुम हाथ उठा रहे हो, मेरा साला होके तुम हाथ उठा रहे हो। बकवास कर रहे, दिल दर्द है। नहीं मतलब अब वीडियो बंद करवा, अभी तुम मेरे को मारने को हो रहे थे दोनों, अब वीडियो बंद करवा दो। इनका समझ ना आती एक बात है, नहीं अब वीडियो बंद करवा दो। वीडियो को चला रहा है, वीडियो वीडियो क्यों चला रहा है, क्यों चलाया कर रहा है, थम क्या करने लग रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा कर देते मेरे साथ ऐसे बात नहीं करते, मेरी बात सुनो। अब हमारे पास प्रूफ, भाई ये लड़की झूठ बोल रही है, इसका भाई भी, ठीक है? अगर तो अब तुम चाहे कहीं भी केस डाल लो, कुछ भी, यूं बोल रहे ना दहेज का केस डाल के इसकी फैमिली को, कुछ भी कर लो, हमारे पास प्रूफ है, ये सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए शादी करा है। अरे ये इसका भाई है, ऐसे ऐसे भी भाई होगा जो अपनी बहन का घर खराब करने लग रहे, थोड़ा जीजा तेरा मारूंगा तेरा खींच कर। बंद करवाओ ना ये वीडियो। अब क्या बंद करवाओ, मतलब मेरी मारना है, नाखून मार रही है तू इसकी छाती पे, इधर नाखून, सब जगह नाखून मार रखा है, बताओ ये भी छोटा होके हाथ, क्या हो जाओगी, क्या हो जाओगी, साइड साइड हो, इधर इधर बैठ, इधर बैठ, तेरा कोक नहीं बना, इधर बैठ, इधर बैठ। बोलो ना अपने भाई को वीडियो बंद करवाएंगे। नहीं तुम तो अपने भाई को लेके आए थे पिटवाने के लिए मेरे को, बोल दो ना वीडियो। मार ये भी सकता, तेरे को मेरी बात सुन, मार ये भी सकता, हाथ इसको भी दे भगवान ने, पर इज्जत इज्जत कर रहा हो, इज्जत कर रहा हो, मेरे घर की बहू आयो, चलो भैया कोई नहीं मार सकता, आयो बता, यो तो हाँ भाई इतनी सोच रहा तेरे लिए, गलती हो गई भैया। कैसी गलती हो, गलती हो गई, ऐसा ही हो लगा मैंने, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है के, या इसलिए शादी करवाई इनकी, इसलिए शादी कर दी तूने ताकि इसका घर खराब कर दूं, इसके माँ बाप पता कितने परेशान हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से काम करके पैसा करते हैं, क्या करते हैं घर चलाने के लिए, और तुम मेरे को इतना ब्लैकमेल कर रहे हो इस चीज के लिए। वीडियो ही फैलाऊंगा, रुक जा, नहीं नहीं वीडियो फैला भाई, वीडियो यार, अब मैं बताऊंगा क्या, कोई दहेज नहीं ले रहा भाई, कोई कोई केस नहीं लगा रहे भैया, प्लीज तू तू ही सिखाओ इसने, तो ये बोल रही है मेरे को बीच में, नहीं मैं तो भाई साथ में आया था इसके, अच्छा करवा दो वीडियो प्लीज, नहीं यार तुम तो मेरे को, तुम तो मेरे को थाने में बंद करवाने के लिए कह रहे थे यार, तुम तो मेरे पे केस लगवा रहे थे, मैं कुछ नहीं कह रही, मेरे से गलती हो गई, मतलब वीडियो बंद कर दो, ये अच्छी बात, शर्म कर लो थोड़ी, क्या कर रहे हम, इसलिए नहीं शादी करते, बंदे ना घर छोड़ दिया था तेरे लिए, नहीं छोड़ा था, भाग्य नहीं थे, छोड़ा था ना अपना घर, एक साल बाद, और इसकी फैमिली, इसकी फैमिली ने क्यों बुलाया तुम, ताकि हमारी सेवा होती रहे, हमारा लड़का हमारे साथ रहे, एक घर बना रहे, और उस घर को तू तोड़न पर लग रही है, और ऐसा ही हो लगा, जो बोलती है वो इच्छा पूरी करते हैं, फिर भी क्यों खत्म कर, क्यों खत्म कर, घर की बात है, घर में रह सही रही, हाँ तो तुम्हें पहले देख ले, देखने देना ये सब, पार्क मांग के पैसे मांग रहे हो, गला दबा रहे हो, घर पे भी हाथ उठाते हैं, 5 लाख रुपए पता कितनी कितनी रकम हो जाए, कहां तो देगा ये बंदा, तेरे को इसके घर का व्यवहार पता है, इस बंदे का पता है व्यवहार, क्या नौकरी करता है यो, ऐसी याद है 5 लाख रुपए काज फटा है अब कमाते वक्त, चलो सॉरी ना, अब नहीं होगी गलती, माफ कर दो, अब क्या नहीं होगी, अब तुम तेरे पता भाई, तेरे पापा को पता तुम ये कर रहे हो, पता तुम्हारे पापा को, मुझे अलग रहना, तूने इनके घर वालों को, इनके पापा को नहीं बोला, नहीं भाई मैं कहा इनकी कहीं इनके ज्यादा वो हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, मैंने इसलिए अपना, जो इतनी सोच रहा, जो इतनी सोच रहा तेरे घर के बारे में, मैं फैमिली की सोच के नहीं बोल रहा कि चलो इन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, इनके कुछ बोलेंगे घर वाले, मैं इस चक्कर में कुछ नहीं बोल रहा घर वालों से, कुछ नहीं कर रही हूं, प्लीज ये वीडियो बंद करवा दो, शर्म आ रही है, क्या कर रहे हैं हम, मैं वीडियो फैलाऊंगा बेटा, वीडियो फैलाऊंगा, क्या तेरा यो, क्या तेरा यो, हमारी बेइज्जती होगी यार, मैं ये सब चीज मैं सोच रहा हूँ, मगर तुमने परिवार के बारे में सोचा, ऐसे करोगे तुम मेरे साथ, तुमने परिवार के बारे में सोचा ये सब चीज, पहले सोच लेते ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ यार, मैं गलती नहीं करूंगी, प्लीज वीडियो बंद करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता, भाई है, मैंने भाई को, मैंने भाई को एक सपोर्ट के लिए, बस कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था ना, कोई वो कर रहा था, वो तो भाई है जिन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी, उधर सर उधर बैठा, जो इन्होंने गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ना तो तेरा भाई बोलेगा तुम्हारे घर में, ना तो कोई हक बनता और ना ही बोलेगा, समझा दे उसको, नहीं बोलेगा, समझा, नहीं बोलेगा भाई, मैं क्या दुखी रहूं क्या सुखी रहूं, तुम नहीं बोलोगे बस, और इसकी इज्जत करेगी, इसके घर वालों की इज्जत करेगी, बोल, हां मैं करूंगी, कैमरे में बोल कि हां भाई मैं इसके घर वालों की इज्जत करूंगी, अगर मेरे को ये फिर दिखी ये हरकतें, मैं वीडियो फैलाऊंगा भाई, पक्का फैलाऊंगा, नहीं मैं खुश रखूंगी बस, इसकी फैमिली को भी, बस मेरे को नहीं, मेरी फैमिली को, बस मैं चाहता हूँ कि घर वाले खुश रहे, बस मैं खुश रखूंगा, तू भी भाई बोल, भाई तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी तरफ से यार, जा और अपने इनके साथ मत रह, तू को काम हो तो जरूरी है ना, अपने घर अपना कमा दमा, अपने माँ बाप को खुश रख, यो अपने जीजा को परेशान करने तक कोई यूं नहीं है कि तू बड़ा सुपरस्टार बन जाओगा, हां भाई समझ रहा हूं,
सुन मैं वीडियो बताऊंगा। हेलो मन, क्या हाल चाल अभी सबके? तो भाई कैसी लगी वीडियो? वीडियो को भाई साहब शेयर कर दो, और इतनी शेयर करो ताकि भाई जो भी अगर ये सोच रहा हो लव मैरिज करने की, और उनके माइंड में चला जाए कि भाई घर वालों की परमिशन से करें, बाद में आपके साथ भी इस तरीके की हरकतें हो सकती है जो भागते हैं भाई। और भाई घर में मत, जो लड़की का भाई अगर बोलता तो भाई घर ही ख़राब होता। तो रिक्वेस्ट है भाई, अगर मतलब लड़की का भाई अगर उस अपने जीजा के सामने उनके फैमिली में बोलेगा तो घर ख़राब होगा, तो मत बोलो आप सब। और वीडियो को शेयर करना हमारे चैनल पर, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इधर इंस्टाग्राम शो हो रहा है तो यहाँ पे हमें फॉलो कर लो, बातचीत करेंगे, मिलता है किसी नेक्स्ट एक्सपोज या प्रैंक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। तो गाइज एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई फोराबेट वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे विजिट करिए, आप भी अच्छा खासा घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। भाई मैंने अपना जितना भी पैसा था वो विड्रॉ कर लिया जब तक आपने वीडियो देखी, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस वेबसाइट पे विजिट करें और पैसा कमाइए।